સુરતના સીબી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે સીધા જઈએ ત્યાં. 2 તારીખે મહિલાઓ 1 થી 4 માં શાકભાજી લઈ શકશે. કોઈ પ્રોવિઝન સ્ટોર હશે નાનો મોટો એ પણ સુજે કે ખુલ્લો રહેવા દઈશું. આ પ્રમાણેનો એક નિર્ણય લીધેલો છે અને કર્ફ્યુ ભંગના ગઈકાલે 39 ગુના દાખલ કરેલા હતા. આજે બપોરે 1 વાગ્યા સુધી 25 ગુના દાખલ થયા છે અને મોડી સાંજ સુધીમાં હું માનું છું ત્યાં સુધી 50 ગુના દાખલ થશે આજના દિવસ દરમિયાન. અને પોલીસ દ્વારા પેરામિલિટરી ફોર્સ RAF જે કંઈ ફોર્સીસ આપણને રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારે ફાળવેલા છે એના દ્વારા અસરકારક પેટ્રોલિંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહેલ છે. આપ ઇસ બાત સે સુવિધિત હૈ કે 17 તારીખ સે મધ્યરાત્રિ સે સુરત શહેર કે સલાબતપુરા મહિધરપુરા અઠવા લાલગેટ ઓર લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશન કે કમરૂનગર પોલીસ ચોકી ઇલાકે મેં કર્ફ્યુ ઇમ્પોઝ કિયા ગયા હૈ 22 તારીખ સુબહે 6 બજે તક. इसके दौरान महिलाओं को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक जो जीवन जरूरी चीज हैं सब्जी मिल्क मेडिसिन उसके लिए उसमें उनको छूट दी गई थी. लेकिन अभी भी लगता है कि कर्फ्यू का इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो इसीलिए हमने कल 19 तारीख और 21 तारीख इस दोनों दिन सिर्फ मिल्क मींस के दूध और मेडिसिन इनके अलावा कोई भी चीज वहाँ मिल नहीं सकेगी ऐसा नोटिफिकेशन अभी जारी किया है. इसका मतलब ये है कि 20 तारीख को आप वेजिटेबल्स यानी शाक भाजी महिलाएं 1 से 4 में खरीद सकेगी. बाकी के 19 और 21 के ये दो दिन प्रोविजन स्टोर भी बंद रहेंगे और शाक भाजी भी इसकी बंद रहेगी उस इलाके में. 22 से फिर नॉर्मल दिन जो होगा बिना कर्फ्यू का उसमें लॉकडाउन के जो रूल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो छूट छाट दी है उसी हिसाब से बाकी के जो एरियाज हैं उनकी पैरिटी में उनके साथ जो भी अलाउड है वो सब चीजें की जाएगी. थैंक यू. पिपलौज इलाके से दूध बरामद हुए थे, पुलिस ने किस मामले को गंभीरता से लिया, क्या तफ्तीश समझी? पुलिस ने तफ्तीश की है, हम CCTV चेक कर रहे हैं और उसका चेकिंग भी हम इमीडिएटली सिविल हॉस्पिटल में करवाया था, हमने इसकी बोला है. लेकिन बोला कि कहीं कुछ फेंक दी है कोई चीज़ तो उसका चेकिंग सलाइवा का हो नहीं सकता है. तो वी आर ट्राइंग कि CCTV से अगर कुछ मदद मिल सकती है तो. थैंक यू. क्या लगता है गंभीर कितना मामला हो सकता है? ये इन्वेस्ट हम तपास कर रहे हैं, बाद में ही पता चलेगा. सर, सूरत शहर से कई जगह से मीडिया कर्मियों के साथ भिड़न के मामले सामने आ रहे हैं. आज भी एक मामला पत्रकार के साथ DSI द्वारा भिड़न का हुआ है. नहीं, कहीं भी ऐसा हो हमारे ध्यान पे रखो, हम इमीडिएटली एक्शन लेते हैं और कंसर्न ऑफिसर जो है वहाँ सीनियर ऑफिसर उनको भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें मिसकी अवॉइड करो, क्योंकि मीडिया और पुलिस आज दोनों अपना जान मिसकी हाथ पे रख के काम कर रहे हैं. तो दोनों साथ में रह के काम करें तो सूरत सिटी के लिए भी अच्छा होगा. मीडिया कर्मियों से इस तरह पूछा जाता है कि आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस स्टोरी पे गए थे, आपका ऑफिस कहाँ पे आया, ये सब चीजें पूछी जा रही है. शाम को दोबारा उनको इंस्ट्रक्शन पास ऑन की जाएगी. थैंक यू. थैंक यू सर.